नमस्कार दर्शक बंधु, मो नाम हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुंत कॉम्पिटेटिव ओडिशा। तो आज वीडियो आम देखा पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 3। ओके, सो देखो आपण मानक कॉम्पिटेटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल रे आपण मानक ओएवीएस टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स गोटे क्रैश कोर्स लॉन्च होती जोटा कि आपण कंप्लीट सिलेबस क्रैश कोर्स। ओके, जोटा कि समस्त फ्री ऑफ कॉस्ट रही, आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे कोर्स को जॉइन करें, जो थे कि आपको वीडियो लेक्चर सहित आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिले, सहित आपको व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस मिले। ओके, तो से आपने प्रथम कौन करें ना कॉम्पिटिटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तापर देखिए कि सेठी आपको गोटे बेल आइकन मिले, से बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे, कहीं जिते बड़े भी आम लेक्चर सीरीज अपलोड हम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाव। ओके, सो देखो आम प्रथम चैप्टर चली कौन ना पॉलिनोमियल चलती। पॉलिनोमियल दुईटा आपको सेशनस दे सारी, दुईटा लेक्चर दे सारी, जदि आपने देखी ना नुआ देखुं तेल आप निश्चित रूप जाथम से दुईटा लेक्चर को देखु, जहाद्वर कि आपर पॉलिनोमियल पूरा बेसिक कनसेप्ट क्लीयर होपर आपड़ो को देखिपर। ओके, तो जदि आपट्सअप ग्रुप जॉन करने चाहते हैं देखो आपको दुईटा अप्सन मिले जॉन कर, गोटे हूँ कि आपत डायरेक्टली यही नंबर देखिपे 7873430697 नंबर में मत डायरेक्टली टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स लिखिकी आपण मैंने मत जॉइन लिखि दिंतुतापर मुझक सेंड कर दिंतु, मुझक ग्रुप जॉइन करदेवि, कि नेक्स्ट ऑप्शन मिले कि डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप रो, आपण मैंने से डायरेक्टली क्लिक करके जॉइन करें। ओके, तो यह सब रहा किसी कोर्स डिटेल्स, तो जदि आज लेक्चर आपण को भल लगे तेल लाइक गोटे गोटे निश्चित रखिए, कहीं आपर लाइक रु ही आमको मोटिवेशन मिलता है। सहित जदि आपर सांगसाथी सहित सेयर करना तेल सेयर कर दिंतु, आपण पाखे जिते भी ग्रुप अच्छे व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप जहाँ भी अच्छे सबुद्ध सेयर करूँ, जहाद्वारा कि अधिक रु अधिक पिला आपर यही कोर्स विषय जापर और समस्ते फ्री ऑफ कॉस्ट यार लाभ उठेपर। ओके, तो चलतु आज लेक्चर को आम बिना देरी से स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, तो देखो आज लेक्चर में आम कौन देखा ना फैक्टर थ्योरम को देखा, यार स्टेटमेंट देखा, यही फैक्टर थ्योरम को आम कमी यूज करवा गोटे पॉलिनोमियल रे सेटा आम देखा। ओके, सो देखो ये मुझे प्रथम लाइन कौन लिखी ना दिस थ्योरम हेल्प अस् टू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये जो फैक्टर थ्योरम अच्छे, फैक्टर थ्योरम को आम यूज करके कौन करना गोटे पॉलिनोमियल रो फैक्टर को आम काढ़ ओके, तो से आमको प्रथम कौन करने पड़ो ना, आम जो पूर्व क्लास रे पढ़ी थे रिमाइंडर थ्योरम से आपके रिकॉल करने पड़ो। ओके, तो लेट अस रिकॉल द कांसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम रो जो कांसेप्ट रही आपको रिकॉल करने पड़ो, जहाद्वारा कि आम फैक्टर थ्योरम को अधिक डीपली जाकि बुझी पार्बा। ओके, सो देखो रिमाइंडर थ्योरम आमको कौन कही है, व्वेन ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तामने से कौन कौन ना जिते बड़े आम गोटे पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स थिला और पी ऑफ एक्स को जदि आम गोटे पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए द्वारा डिवाइड करूँ तो से आमको रिमाइंडर के रिमाइंडर आमको पी ऑफ मिलूला, यही हूँ आम रिमाइंडर थ्योरम रो कांसेप्ट। ओके, तो देखो एग्जांपल द्वारा मुझको पुणी थे क्लीयर करदे रिमाइंडर थ्योरम आम कमी रिमाइंडर काढ़ूले। ओके, तो देखो जमीक आमको गोटे पॉलिनोमियल दिखाई पी ऑफ एक्स जहाँ कि आपको दिखाई एक्स टू दि पावर ऑफ 4 प्लस एक्स टू दि पावर ऑफ क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपको दिखाई पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स को जिते बड़े डिवाइड करवा एक्स माइनस ए द्वारा, ओके, या एक्स माइनस ए को एक्स माइनस वन को आपने कंपेयर करूँ आपने ए रैल्यू जापरेंगे। ओके, तो ये देखो एक्स माइनस ए दिखाला एटी एक्स माइनस वन दिखाई ए इक्वल्स टू आम वन लिखिपर। ओके, तो ये आमको कौन हो गला ना आमको ए इक्वल्स टू वन मिलगला, बर्तमान आमको कौन दिखाई ना पी ऑफ एक्स को जदि आम एक्स माइनस ए द्वारा डिवाइड करवा आम रिमाइंडर के ना पी ऑफ ए आसाला, एटा को आमको ये पुट करने पड़ूगा। ओके, तो ये आम ए जगह कौन आसला ना वन आसला, आम कौन करवा ना ए जगार ये पी ऑफ ए जगार आम पी ऑफ वन काढ़ा। ओके, तो ये आम के ना पी ऑफ ए आसमर पी ऑफ वन वैल्यू। ओके, तामने आमको एक्स जगार वन पुट करियर अच्छे, एक्स जगार जब आम वन पुट करवा तो कौन आसल्यू देखो एक्स टू दि पावर ऑफ 4 जगह आम कौन करवा ना वन टू दि पावर ऑफ 4 प्लस वन टू दि पावर ऑफ क्यूब माइनस टू इंटू वन रो स्क्वायर
प्लस वन प्लस वन ओके तो याकु जदि आपण माने सॉल्व करबे यार वैल्यू केते आसीबो ना देखंतु 1 टू द पावर ऑफ 4 आसीबो आपण मानको पई 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 ओके तापर याकु जदि आमे सॉल्व करबो 1 प्लस 1 कोन आसीबो ना 2 आसीबो माइनस 2 1 प्लस 1 2 आसीबो ओके तो एठी देखंतु प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हे गेला तो हमहु को आंसर केते मिलबो ना 2 मिलबो ता माने आमे कोन जानिबा को पाइले ना एठी p ऑफ 1 रो जो वैल्यू टा आसला सेटा होची 2 ता माने आमे कहि परबा कि p ऑफ x को जते बेले आमे x माइनस 1 द्वारा डिवाइड करबा तो हमरो रिमाइंडर केते आसीबो ना रिमाइंडर हमरो 2 आसीबो एठी होची हमरो रिमाइंडर थ्योरम रो कांसेप्ट ओके तो वर्तमान देखंतु कि रिमाइंडर थ्योरम को हमें कोन करबा नै रिमाइंडर थ्योरम को हमें फैक्टर थ्योरम बुझिया पई यूज करबा ओके तो रिमाइंडर थ्योरम को हमें फैक्टर थ्योरम रे केमती यूज करबा देखंतु सेटा मो एठी कोन लिखि छै ना व्हेन द रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर p ऑफ a हमरो थिला ओके तो p ऑफ a रो वैल्यू जते बेले 0 हे जइबो देन x - a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x ता माने से हमको कोन कहले ना हमरो जो रिमाइंडर आस्तला p ऑफ a से रिमाइंडर टा जते बेले हमरो कोन हे जइबो ना 0 बाहरिबो सेते बेले हमें कहि कि ए जो x - a टा थिला सेटा हमरो फैक्टर हे जबो कहारो ना पॉलीनोमियल रो फैक्टर हे जबो दैट मींस p ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x - a ओके काहे कि ना मु आपन कहितली फैक्टर गोटे एम्प्टीया नंबर जहा कि आपन मानकर गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देई थाय जदि डिवाइड हे जाय ताले रिमाइंडर हमरो केते आसीबो 0 आसीबो तो एठी हमें कोन काढिबा ना p ऑफ a काढी कि देखिबो कि रिमाइंडर 0 आसुचि कि नाही जदि 0 आसीगला ताले x - a टा फैक्टर हेबो नचेत सेटा फैक्टर हबो नहीं ओके तो वर्तमान देखो तो फैक्टर थ्योरम रो स्टेटमेंट कोन कोची ओके काहे कि हमको स्टेटमेंट दरकार पड़िबो ता सहित हमको प्रूफ दरकार पड़िबो ओके तो प्रथमे हमें स्टेटमेंट को बुझिबा तार एप्लीकेशन देखिबा तापर हमें तार प्रूफ देखिबा ओके तो फैक्टर थ्योरम रो स्टेटमेंट कोन कोची इफ p ऑफ x इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n which is greater than equals to 1 ता माने p ऑफ x गोटे पॉलीनोमियल जहारो की डिग्री 1 हबो किंबा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हबो ओके ता माने सेटा गोटे कांस्टेंट पॉलीनोमियल हबो नाही ओके काई कि ना डिग्री जदी 0 हे गेला तो हम कहि परबा कि सेटा गोटे कांस्टेंट पॉलीनोमियल तो एठी हम कहू छी कि पॉलीनोमियल हेतबा दरकार डिग्री 1 हबो मिनिमम किंबा मैक्सिमम आपनकर किछि भी डिग्री हे पारे एंड ए अगर a is any real number okay jodi humko p of x gote polynomial diya hi chi degree of n or greater than n au a gote humko konosi bhi real number a diya hi chi tahale ame kahi pariba ki x - a ta amaro factor hobo p of x ro jete bele ki p of a ro value ta 0 asibo jote ki mu apan manku bartaman remainder theorem ro kahili okay to jodi amaro p of a ro value ta 0 aschi ta mane remainder jodi 0 aschi tahale ame kahi pariba ki x - a ta gote factor hobo kimba ame next re kahi pariba कि p ऑफ a रो जदी वैल्यू टा 0 होछि ताहाले कोन होबो ना x - a टा फैक्टर हिजबो कहारो ना p ऑफ x रो ओके तो एटा होछि बेसिकली हमरो स्टेटमेंट कहारो ना फैक्टर थ्योरम किछि भी एते भी हार्ड स्टेटमेंट नो हो ओके गोटे पॉलीनोमियल दिया हिछि ता सहित हमको गोटे वैल्यू दिया हिछि a रो वैल्यू ओके तो जदी हमें एई a रो वैल्यू को x जगह रे पुट करबा ओ हमरो p ऑफ a रो वैल्यू 0 आसीबो ताहाले हमें कहि परबा कि x - a टा हमरो कोन हिजबो ना फैक्टर हिजबो ओके जेमती के धरंतु आमे कहि परबा कि x जगह रे मु जदी 3 पुट करली ओके x जगह रे जदी 3 पुट करली माने p ऑफ 3 काढिली तो p ऑफ 3 जदी 0 आसला ताले मु कहि परबा कि x - 3 टा जो अछि सेटा p ऑफ x रो गोटे फैक्टर हबो ओके सेइ भला जदी आमे 3 जगह रे सपोज मु -3 नउछि ओके गोटे नेगेटिव नंबर नउछि ता माने मु कहि परबी कि p ऑफ -3 0 आसला जदी p ऑफ -3 0 आसला ताले आमे कहि परबा कि x माइनस ऑफ -3 ओके ता माने आमे कहि परबा कि x प्लस 3 टा हमरो फैक्टर हबो कहारो ना p ऑफ x रो फैक्टर हबो ओके तो एमति ही हमें कोन करिबा ना फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें गोटिए पॉलीनोमियल रो फैक्टर को काढिबा ओके तो एई जो फैक्टर थ्योरम टा छि फैक्टर थ्योरम टा हमरो कोठो आछि ना ई फैक्टर थ्योरम टा हमरो रिमाइंडर थ्योरम रो डिराइव हे छि ओके ता माने रिमाइंडर थ्योरम को ही बेस करके हमरो फैक्टर थ्योरम को काढा हे छि जो थरे कि हमें कोन करिबा ना गोटे पॉलीनोमियल रो फैक्टर को फाइंड आउट करिबा ठीक अछि वर्तमान देखंतु गोटे छोटे एग्जांपल्स ओके
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଗୋଟିଏ ପଲିନୋମିଆଲଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଏକ୍ଜାମିନ୍ ୱେଦର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପଲିନୋମିଆଲ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଲିନୋମିଆଲରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ଏଇ ପଲିନୋମିଆଲ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଲିନୋମିଆଲର କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପି ଅଫ୍ ଏ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୱେଦର ପି ଅଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଅର୍ ନଟ୍। ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ। ଯଦି ଜିରୋ ନହେଲା ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରି ନା ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିଲି। ଓକେ, ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଗଲି, ତ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ ନେଲି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପଲିନୋମିଆଲ ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଲିନୋମିଆଲକୁ ମୁଁ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲି, କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବାର ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ କେମିତି କାଢ଼ିବା ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ଜିରୋ ସହିତ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିବା, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମେ ଜିରୋ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ କରିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଲା ନା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ପି ଅଫ୍ ଏ କାଢ଼ିବା, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ କାଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପି ଅଫ୍ ଏ କାଢ଼ିବା, ତା ମାନେ ଆମର ଆସିବ କେତେ, ପି ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଓକେ, ତ ପି ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ କରିବା କାଢ଼ିବା। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିବା। ତ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବା ମାଇନସ୍ ଟୁର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଫୋର୍ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ଆମର ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ଟୁଏଲ୍ଭ। ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଏଠି ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ମିଶିକି ମାଇନସ୍ ଏଇଟିନ୍ ଆସିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଟୁଏଲ୍ଭ ଆଉ ସିକ୍ସ ମିଶିକି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟିନ୍ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମିଳିଲା ନା ଜିରୋ ମିଳିଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ପି ଅଫ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ମାନେ ପି ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜିରୋ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଜିରୋ ହେଲା। ରିମାଇଣ୍ଡର ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ଅଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ତା ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କାଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କାଢ଼ିଲି। ଓକେ, ତ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆସିଲା, କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆସିଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ତ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ଆମର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍। ତ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଲା ନା ଜିରୋ ଆସିଲା, ତ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବା କି କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ବି ଆମର ଜିରୋ ଆସିଲା। ତ ଯଦି କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ଜିରୋ ହେଲା, ତ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା, ତ ସେଇଟା ଆମର ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼। ଓକେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି କେବଳ ରିମାଇଣ୍ଡର କାଢ଼ିକି ଆମେ ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ କେ ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେ। ତ ଯଦି ଏଇ ପଲିନୋମିଆଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେର ଭ୍ୟାଲୁଟା କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ପଲିନୋମିଆଲରେ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଆସିବ ନା ୱାନ୍ ଆସିବ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା କ'ଣ ନା ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ୱାନ୍। ଆଉ ଯଦି ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ୱାନ୍ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ଟା ଅଛି, ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି, ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ପି ଅଫ୍ ଏଟା ଯେଉଁ ହେବ, ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆସିବ, ରିମାଇଣ୍ଡର କ'ଣ ହେବ, ଜିରୋ ହେବ। ତ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପି ଅଫ୍ ଏ, ତା ମାନେ ଆମର ଆସିବ ପି ଅଫ୍ ୱାନ୍, ତ ପି ଅଫ୍ ୱାନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଡିରେକ୍ଟଲି ୟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ନା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିବା ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ତ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କି ଆସିଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ। ଓକେ,
তো ফোর ইন্টু ওয়ান র কিউব কে আসলে না ফোর প্লস থ্রি ইন্টু ওয়ান র স্কোয়ার হল প্লস থ্রি মাইনস ফোর ইন্টু ওয়ান হল মাইনস ফোর প্লস কে ইকোয়ালস টু জিরো তো এটি দেখুন প্লস ফোর মাইনস ফোর ক্যানসেল হয়ে গেল তো আমি কে মিলল না থ্রি প্লস কে ইকোয়ালস টু জিরো সো কে র ভ্যালু কে মিলল না কে র ভ্যালু মিলল মাইনস থ্রি তা মানে এটি আমি কোণ হল না যদি আমি কে র ভ্যালু মাইনস থ্রি পুট করা তাহলে এই যে এক্স মাইনস ওয়ানটা আছে এটা গোটে কোণ হয়ে যাব না এই যে পলিনোমিয়াল দিয়া আছে ফোর এক্স কিউব প্লস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনস ফোর এক্স প্লস কে ইয়ার ফ্যাক্টর হয়ে যাব ওকে তো নেক্সট আপনার এই টাইপ্র কোশ্চেন্স এক্সামে দেখা মিপারে যেটাকি আপনার মানে কেবল ফ্যাক্টর থিওরম ইউজ করিকি সলভ করে পারবে উইদাউট প্রোসিডিং দ লং ডিভিজন মেথড ওকে বর্তমান দেখুন নেক্সট আমার কোণ রয়েছে না নেক্সট রয়েছে আমার ফ্যাক্টরাইজেসন তো এটা লা আমার ফ্যাক্টর থিওরমর কনসেপ্ট তাপরে আমি নেক্সট দেখবা ফ্যাক্টরাইজেসন অফ এ পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি টু অ্যান্ড ডিগ্রি থ্রি ওকে ইউজিং ফ্যাক্টর থিওরম তা মানে ফ্যাক্টর থিওরম ইউজ করিকি আমি গোটে কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল আর গোটে কিউবিক পলিনোমিয়াল কু আমি কেমতি ফ্যাক্টরাইজ করিবা তার ফ্যাক্টর গুড়া কু কাড়ি ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ପଲିନୋମିଆଲ ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲର ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମେଥଡ୍ ମିଳିବ ଓକେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ମେଥଡ୍ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିପାରିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼କୁ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଅଧିକାଂଶ ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବାଇ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମସ୍ ତା'ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢ଼ିବା ତ ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଜି ମେଥଡ଼ ଓକେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମସ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରମ୍ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ ଦିଆହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ପଲିନୋମିଆଲ ଫିଫ୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ପଲିନୋମିଆଲ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରମ୍ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ତିନୋଟି ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇ ତିନୋଟି ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଓକେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ଶିଖିବା ନା ବାଇ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢ଼ିବା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ବାଇ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମସ୍ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ ଆମେ ନେବା ତ ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଓକେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମସ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ବି ଏକ୍ସ ତ ବି ଏକ୍ସରେ ଆମର ଭେରିଏବୁଲ୍ କିଏ ଅଛି ଭେରିଏବୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବି ମାନେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟଟା ତ ଆମ ଏଇ ବିକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ଆଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ସି ଓକେ ତା'ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମରେ ଆମର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ତ ବିକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ସମ୍ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼୍ ହେଇକି ଥିବେ ମାନେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆଡ଼ିସନ୍ କେତେ ଆସିବା ଦରକାର ବି ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟା ଅଛି ଏଇଟା କାହାର ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନା ଏଇ ବିଟା ଆମର ଏ ଆଉ ସିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ତା ମାନେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଇନ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ସି ଓକେ ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ନା ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ସି ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବିକୁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇ ଆଉ ଏଫ୍ ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମର କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ନା ଏ ସି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଓକେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ସି ଆମର ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମର ଆସିଲା ଗୋଟେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟାର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିଳିଲା ଇ ଏଫ୍ ଇ ୱାନ୍ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଇ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ଓକେ ଇ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର ସମ୍ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଛି ଓକେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ବି ହେବ ମାନେ ବିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଓକେ ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଓକେ ତା'ମାନେ ବି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ଆସୁଛି ଆଉ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସି ମିଳିବ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ ଓକେ ତା'ପରେ ଆମେ କେମିତି ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ
पॉलिनोमियल को स्प्लिट करिबा बा ब्रेक करिबा बा आमे तारो फैक्टर केमती काढ़ा ओके तो सही जिनसा आपण मैंने अधिक क्लीयर हो पारे ओके तो जमी एग्जांपल देखो आमको दिखाई कौन ना फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल 6x² प्लस 17x प्लस 5 ओके तो ये जो पॉलिनोमियलटा दिखाई है पॉलिनोमियलटा देखो आपण मैं ये फॉर्म में दिखाई ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट दिखाई ओके तो ये देखो आपड़ी कंपेयर करेंगे आम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होची 6 ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होची 6 तो ए जगह आम 6 लिखिपर से भाई बी जगह आम कौन लिखिपर ना 17 लिखिपर सी जगह आम 5 लिखिपर ओके तो ये मुझे कौन लिखिली ना ए इक्वल्स टू 6 बी इक्वल्स टू 17 सी इक्वल्स टू 5 ठीक अच्छे ओके तो आम गोटे कौन जिनस पढ़ी ना आम पढ़ी कि बी इक्वल्स टू ए सी ता मैंने ये जो आम बीटे आसो 17 आसो ये 17टा आपर कह प्रडक्ट सहित इक्वाल होता दरकार आपण मानकर 6 आउ 5 रो प्रडक्ट सहित इक्वाल होता दरकार ता मैंने ये आम लिखा कौन ना बी इक्वल्स टू ए सी ओके तो देखो तो बी इक्वल्स टू ए सी मुझे कहीं कौच ओके तो ये देखो आपखिपारे कि 17 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 ओके तो ये देखो 17 आउ 6 इंटू 5 हूँ आपर 13 तो आपने कहे कि 17 आउ 30 तो इक्वल होना ओके तो ये देखो मुझे 17 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 मुझे कहीं लिखिली कहीं आमको कौन करार अच्छे ना बी को आमको स्प्लीट करार अच्छे दुईटा नंबर सम्रे स्प्लीट करार अच्छे सो सपोज है ई आउ एफ ओके तो यही दुईटार जो प्रडक्ट आसो ये दुईटार प्रडक्टा आम कौन हम ना आमर ए सी प्रडक्ट सहित इक्वाल हम ताने आम कहीपर कि 6 इंटू 5 प्रडक्ट सहित इक्वाल हम ओके तो ये कनसेप्ट को मुझे बुझेपी बी इक्वल्स टू ए सी लिखी एक्चुअली बीटा आम ए सी सहित इक्वाल हो न था ओके तो जो दुटा यो आम प्रडक्ट रहा ये प्रडक्ट सहित इक्वाल हम यो आम बी को आम स्प्लीट करवा दुईटा नंबर से दुटा नंबर जो आसो से दुटा नंबर समटा आमर के आसवना बी आसो से दुटा नंबर प्रडक्ट के आसवना ए सी आसो ओके तो देखो आम ये कौन लिखिले ना 17 इक्वल्स टू 30 ताने आमको कौन करार अच्छे ना 17 को आमको एमती दुईटा नंबर ब्रेक करार अच्छे कि जार कि समटा आमर के आसवना 17 आसो कि प्रडक्ट आमर के आसवना 30 आसो ओके तो 17 को मुझे ब्रेक करपरि दुईटा नंबर सपोज कौन हो गला ना आमर गोटे आसला 15 आउ गोटे आसला 2 ओके तो आपण मैंने क्वेश्चन करेंगे कि आम केमती जानवा कि आम 15 आउ 2 ना ओके आम तो अलग भी किसी नंबर नहीं पार ओके तो आप कौन करेंगे ना ये जो प्रडक्ट आसो आपर 30 तो 30 को आपने कौन करेंगे ना आपने फैक्टराइज कर दिंतु ओके 30 को आपने फैक्टराइज करदे जो 2 आउ 15 2 रे आपने फैक्टराइज करेंगे तो कैसे आसवना 15 आसो ओके तो ये देखो 15 आसला तो आम कौन कर देखो आपने चेक करके जाऊे ओके तो 2 आउ 15 सम के ना देखो 17 आउ 2 आउ 15 जो प्रडक्ट करेंगे के 30 आसो आम लिखिपर डायरेक्टली 2 आउ 15 ओके तो जितेबाला अधिक रु अधिक क्वेश्चन आपण मैंने प्राक्टिस करेंगे से कनसेप्ट आपने बुझीपर ओके सो देखो आम ये कौन लिखिपर ना 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 30 ताने आम बी जगार बर्तमान बी मैंने 17 जगार बर्तमान आम 15 प्लस 2 को ये पुट करपर तो देखो मुझे इक्वेशन में कौन लिखिली ना 6x² प्लस 17x प्लस 5 जगह आम लिखिपर कि 6x² प्लस 17 जगह आम कौन लिखिपर ना 2 प्लस 15 लिखिपर कहीं आम बर्तमान काटिले से ओके तो 2 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 5 ओके बर्तमान देखो आम 2 को एक्स सहित 15 को एक्स सहित अलग अलग मल्टीप्लाई करवा तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 आसला ओके बर्तमान ये आम कौन करवा ना 6x² आउ 2x रे देखो कमन कौटा जा 2x कमन अच्छे ये भी कमन जापर 2x से भी कमन जापर तो 2x को आम कमन नहीं गलो जदि आम 2x को कमन नहीं जाए आमर के 6x² रे ओके तो 6x² आमर आसो वैल्यू के 3x ओके से भाला जदि आम एठू 2x नहीं जाए आमर एटी के रोक ना 1 रोक तो आम लिखिपर कि 2x इंटू 3x प्लस 1 आसो से 15x प्लस 5 रु आम कौटा कमन नहीं पारा ना 5 को कमन नहीं पारा जदि आम 15x रु 5 को कमन नहीं जा तो यार वैल्यू के आसो ना 3x प्लस 1 आसो ओके तो ये देखो आम प्रथम जो टर्म्स रहा भी आपर 3x प्लस 1 रहा सेकेंड टर्म आपर 3x प्लस 1 रहा तो आम यार कौन करें बर्तमान 3x प्लस 1 को कमन नहीं पारा जदि आम 3x प्लस 1 को कमन नहीं गले एठू तो मैंने कमन चलीगल आम 3x प्लस 1 तो ये टर्म्स रहा प्रथम टर्म्स कौन रही गला ना 2x रही गला से भाला सेकेंड टर्म्स कौन रही गला ना 5 रही गला तो आम लिखिपर कि 3x प्लस 1 इक्वल्स 2 सॉरी 3x प्लस 1 इंटू
2x plus 5 लिखि परबा तो एठी देखंतु 6x स्क्वायर plus 17x plus 5 को आमे दीटा टर्म्स रे मल्टीप्लिकेशन रे लिखिले ओके तो ए जो दीटा सेला 3x plus 1 और 2x plus 5 तो ए दीटा हिजबो हमरो कोना फैक्टर हिजबो कहारो ए पॉलीनोमियल रो फैक्टर हिजबो ओके आउ गोटे देखिबा एग्जांपल जादरे कि आपण माने आउ अधिक क्लियर हेई परबे ओके तो देखंतु नेक्स्ट एग्जांपल कोन होई छै ना फैक्टराइज y स्क्वायर minus 5y plus 6 ओके तो एई फैक्ट जो हमको दियाई छै पॉलीनोमियल ओके वेरिएबल y रो पॉलीनोमियल दियाई छै तो एई पॉलीनोमियल को हम फैक्टराइज करबा तो याको हम फैक्टराइज करबा पूर्वरु a b c को हम डिस्टिंग्विश कर दबा ओके तो एठी देखंतु a माने होइ छै y रो कोफिशिएंट y स्क्वायर रो कोफिशिएंट तो देखंतु a होइ छै 1 ओके सेइ भले b केते आसीबो ना b आसीबो हमरो -5 c आसीबो कांस्टेंट ता माने 6 ओके वर्तमान हमें कोन कांसेप्ट पढ़िथिले ना वर्तमान हमें कांसेप्ट पढ़िथिले कि b इक्वल्स टू a c ता माने ए जो सम ता रहइबो ए जो b नंबर ता रहइबो यारो सम हमरो का सहित इक्वल हबा दर करना यारो प्रोडक्ट सहित इक्वल होतबा दरकार ओके तो हमें लिख परबा कि b इक्वल्स टू a c ता माने -5 इक्वल्स टू 1 इनटू 6 ता माने हमरो वैल्यू केते आसीला ना 6 ता माने हमें कोन करबा ना वर्तमान हमें 5 को हमें दीटा नंबर रो सम रे स्प्लिट करबा जहार के प्रोडक्ट केते आसीबा ना 6 आसीबो ओके तो देखो तो आपण माने जदी 6 को स्प्लिट करबे तो 6 को स्प्लिट करले आपण मन को फैक्टर मिलबो कोन ना 2 आ 3 मिलबो ओके तो देखो तो एठी जदी हम को दरकार कोन ना -5 दरकार 2 प्लस 3 को जदी हम ऐड करबा हम को केत मिलो छै ना +5 मिलो छै तो एठी हम को -5 दरकार तो सेति में मु कोन करबी ना -2 आ -3 को मु ऐड करबो के तो -2 आ -3 को जदी मु ऐड करू छै ताले मते केत मिलो छै ना -5 मिलो छै आ दीटा रो प्रोडक्ट केत मिलो छै -2 इनटू -3 तो दीटा रो प्रोडक्ट मते मिलो छै +6 ता माने हमें एठी लिखि परबा कि -5 जगह रे -2 प्लस -3 लिखि परबा वर्तमान एई जिन तो को हमें एठी पुट करबा ओके तो पुट करले कोन हे जेबो ना देखो तो y स्क्वायर -5x plus 6 को हमें लिखि परबा कोन ना y स्क्वायर -5 जगह हमें लिखि परबा -2 plus -3 into y plus 6 लिखि परबा ओके वर्तमान हमें एठी -2 और -3 को मल्टीप्लाई करबा y सहित इंडिविजुअली तो हमरो वैल्यू केते आसीबो ना y स्क्वायर -2y -3y plus 6 आसीबो वर्तमान देखंतु एही जो टर्म्स टा रहिलो y स्क्वायर -2y तो एथिरे देखंतु कॉमन कोटा जाउछि ना कॉमन हमरो y ही जाउछि तो y जदी हमें कॉमन नै जेबा तो हमरो लेफ्ट केते रहइबो हमरो एठी देखंतु y जदी चली गला तो एठो हमरो आसीबो y तो सेही भले एठो जदी हमरो y चली गला तो एठी रहइबो -2 तो y into y -2 आसीबो सेही भले देखंतु -3y plus 6 रो जदी हमें देखिबा कॉमन कोटा जेबो ना -3 कॉमन जाउची तो -3 कॉमन नै गले एठी केते रहइबो ना y रहइबो एठी केते रहइबो -2 रहइबो तो y -2 रहिला ओके तो y into y -2 -3 into y -2 ओके तो ए दीटा टर्म्स को आपण जदी इंडिविजुअली देखिबे तो दीटा रे कॉमन कोटा रहिला ना कॉमन रहिला हमर y -2 तो y -2 को हमें कोन करबा ना कॉमन नै जेबा ओके तो y -2 को जदी हमें एठी रो कॉमन नेले तो एठी हमर केते रहिला ना y -3 तो y -2 into y -3 तो हमको दीटा फैक्टर मिले गला y स्क्वायर -5x plus 6 रो ओके तो याकु जदी हमें फैक्टराइज करबा गोटे आसीबो y -2 आ गोटे आसीबो y -3 ओके तो एटा ही थिला हमरो मिडिल फैक्टर को स्प्लिट करके हमें केमती गोटीए पॉलीनोमियल रो फैक्टर काढिबा ओके तो एई थिला आजरो वीडियो रे जोथरे कि हमें देखिले कि फैक्टर थ्योरम कोन ओके फैक्टर थ्योरम को हमें केमती यूज करबा गोटे माने गोटे पॉलीनोमियल रो फैक्टर काढिबा पई ओके आ हमें देखिले कोन ना गोटे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को केमती हमें मिडिल फैक्टर को स्प्लिट करके हमें कोन करि परबा ना तार फैक्टर को काढि परबा नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन देखिबा ना नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके आ लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके केमती हमें गोटिए पॉलीनोमियल रो फैक्टर को काढिबा ओके तो हमें वर्तमान देखिले कि मिडिल फैक्टर को स्प्लिट करके देखिले हमें नेक्स्ट देखिबा फैक्टर थ्योरम को यूज करके केमती हमें पॉलीनोमियल रो फैक्टर को हमें केमती काढिबा ओके ता पर हमें किछ स्पेशल आइडेंटिटीज देखिबा फार्मूले देखिबा जहां द्वारा कि हमें गोटे पॉलीनोमियल रो फैक्टर को इजीली काढि परिबा ओके ता पर हमें चैप्टर को वाइंड अप करबा आ जहां भी आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रही छी ता पर मु आपन मन को सॉल्व करेबी तो आज रे वीडियो रे एति कि जदी आपन मन को आज रो वीडियो भल लागिला क्लास भल लागिला जदी आपन माने किछ सजेशन दबा पई चाहौ छथि ताले निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन रे आपन मन को सजेशंस कमेंट करंतु मु निश्चित रूपे ताको कार्यकारी करिया पई चेष्टा करबी धन्यवाद देखा आगामी वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।